ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस के विधायकों ने बेंगलुरु में ही कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हर माइक पर जा जाकर कहा कि हम किसी दबाव में नहीं हैं, न बीजेपी के साथ हैं न कांग्रेस के साथ हैं, हम बस ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं। सब विधायकों ने यही कहा, लेकिन इमरती देवी दो कदम आगे ही रही, जिन्होंने कह दिया कि महाराज कुएं में कूदें तो हम भी कूद जाएंगे। लेकिन हमने अपनी जनता को आश्वासन दिया था कि हम 2008 से विधायक हैं, 10 साल हम विपक्ष में बैठे, लेकिन अपनी जनता से कहते रहे कि हमें सरकार बनेगी तो हम अच्छे अच्छे काम कराएंगे। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, हमने अपने डबरा विधानसभा की पिछोर में मंच से कहा था, जब श्रीमंत ज्योतिराव सिंधिया जी उस मंच पे थे, कि अगर बारकरी जिगिनिया की नहर और लदेरा डैम नहीं बनेगा तो महाराष्ट्र में अगला चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो जब हमने चुनाव हमें लड़ने ही नहीं, अगला हमारा काम हुआ नहीं, हमारी जनता हमें कैसे चाहेगी? और ऐसे मंत्री मिले कि 13,000 करोड़ को काम पूरा छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा को सब पता, हमारे विधानसभा में उनने 1 रुपये का भी काम नहीं दिया है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के संग रहकर क्या करेंगे? इन वीडियोस में नेताओं ने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस को इतना कोसा कि क्या बताया जाए। इसके बाद बारी आई कांग्रेस की, जिसने फिर एक पुराना वीडियो जारी किया और सरकार में रहे नेताओं की असलियत जाहिर कर दी। शुरुआत सिंधिया की लाडली इमरती से ही हुई, जिनका पुराना वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वो बीजेपी को कोसते हुए नजर आ रही हैं। बीजेपी की तो कछु कहते रहे, उनने क्या कर दूँ, क्या करो, 15 साल में पूरा खजाना खाली करके गए। हमारे मुख्यमंत्री तो भाई आराम आराम से भरवे लगे, और किसानों की कर्ज माफी भी कर रहे, और विरुद्ध पेंशन भी बढ़ा दी, 1,000 कर दिया, और लड़कियों की शादी को भी 51,000 रूपये कर दिए, और सबके मिल रहे जाके। तो बीजेपी वाले के तो गीत हैं, गाते रहते हैं, उनसे हमें कोई परवाह नहीं है। हमें किसानों की, गरीबों की, दुकानदार व्यापारियों की समस्या सुनने हैं, उनका समस्या का हल करने हैं। बीजेपी वालों की तरफ हमें देखने नहीं कि उन्हें क्या करो, हम तो अपना काम आगे करेंगे। इन वीडियोस के जरिए कांग्रेस यही जताना चाहती है कि जो विधायक आज सरकार को कोस रहे हैं, उन्हें सरकार में पूरा रुतबा दिया गया, जिसका उन्होंने पूरा फायदा भी उठाया, और अब मौका देखकर पलट गए।